वेलकम स्टूडेंट, वेलकम टू चाणक्य ट्यूटोरियल्स। आइए, ज्योग्राफी के सातवें लेक्चर पे आप लोगों का स्वागत है। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। कल एटमॉस्फियर पढ़ा रहा था, उसी सेक्शन को धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं। देखिए, ध्यान दीजिएगा, जो एटमॉस्फियर हम पढ़ा रहे थे, वायुमंडल, तो वायुमंडल में हम आपको एक चीज़ बताए थे कि आयन मंडल मीन्स आयनोस्फीयर, ये 70 किलोमीटर से लेकर 700 किलोमीटर के बीच होता है ना। आयन मंडल हमने आपको बताया था, आयनोस्फीयर। और एक चीज़ और बताया था कि यहाँ का जो मैक्सिमम टेम्परेचर नोट किया गया है वो 1700 डिग्री सेल्सियस। और एक बात कही जाती है कि इस मंडल में, इस जोन में जाने के बाद अगर एक आंतरिक छात्री अपना हाथ को बाहर निकालता है फिर भी गर्मी महसूस नहीं होती है। ऐसा क्यों? ये एक फिजिक्स का थ्योरम है। मतलब दैट्स मीन्स गर्मी आपको तभी महसूस होती है जब टेम्परेचर और ह्यूमन बॉडी के बीच हीट का ट्रांसफॉर्मेशन होता है या ट्रांसफरिंग होता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ पे क्या होता है कि जो एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है हमारा हीट का, वो क्या होता है कि ह्यूमन बॉडी को छोड़ के दूर की तरफ जा रहा होता है ना, डिस्पर्सिव मोड में, मतलब विसरण की अवस्था में होता है। तो इस वजह से यहाँ पे टेम्परेचर महसूस नहीं होता। सबसे बड़ी बात देखिए, जो आयन मंडल है एक्चुअली इसको चार सेक्शन। चार इंपॉर्टेंट इसके पार्ट होते हैं। एक होता है डी लेवल या डी लेयर कह सकते हैं, एक होता है ई लेयर, एक होता है एफ लेयर, एक होता है जी लेयर। चार लेयर में बांट के पढ़ा जाता है, डी ई एफ जी। और ये किस बेसिस पे होता है? ये हमारा रेडियो वेव्स के बेसिस पे होता है। जो हमारा डी लेयर होता है, यहाँ पे क्या होता है कि आपका ऑल टाइप्स ऑफ, मतलब सभी तरह के रेडियो तरंगों का रिफ्लेक्शन होता है ना, परावर्तन होता है। सभी तरह के रेडियो तरंगों का रिफ्लेक्शन, मतलब ऑल टाइप्स ऑफ रेडियो वेव्स रिफ्लेक्शन। ठीक। और जो हमारा जी लेवल होता है, ये आप यहां पे क्या होता है कि हायर टाइप्स ऑफ रेडियो वेव्स रिफ्लेक्शन, मतलब कहते हैं कि उच्च आवृत्ति वाले तरंगों का परावर्तन। और ये जो लेयर होता है ई लेयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहां पे क्या होता है, एक तरह की घटना पाई जाती है जिसको कहा जाता है हमारा अरोरा लाइट इंसिडेंट। मतलब अरोरा लाइट की घटना यहां पे पाई जाती है। अब देखिए, अरोरा लाइट क्या होता है यहां पे, हमारा यहां पे जब क्या होता है आपका, यहां पे बहुत भारी मात्रा में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, जब इस लेवल में, इस लेयर में पहुंचते हैं तो हमारे पृथ्वी के नॉर्दर्न पोल पे चमकते हैं, उसके साथ साथ साउदर्न पोल पे भी चमकते हैं। मतलब दो जगह शाइनिंग होती है, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ। तो जो ऊपर की तरफ चमकते हैं है ना, इलेक्ट्रॉन्स का जो चमक होता है वो हमारा, इसको बोलते हैं अरोरा बोरियालिसिस। ठीक है। और जब नीचे साधारण तरफ चमकता है तो इसको बोलते हैं अरोरा ऑस्ट्रालिसिस। अरोरा की घटना है। तो एक्चुअली इसका कोई हिंदी नहीं है आपका, ये एक तरीके से इंग्लिश में ही पूछा जाता है। तो हमने आयन मंडल को चार सेक्शन में बांटा। चार सेक्शन में जो ई वाला सेक्शन है, यहाँ पे अरोरा लाइट की घटनाएं होती है। मीन्स इलेक्ट्रॉन्स का जब बंडल, इलेक्ट्रॉन्स हैवी मात्रा में जब इस
जगह पे आते हैं नॉर्दर्न पोल पे, तो यहाँ पे क्या होता है, एक चमक होती है जिसको अरोरा बोरियालिसिस कहते हैं, और सदर्न पोल पे आते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, जो चमक होती है उसको अरोरा ऑस्ट्रालिसिस कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। तो ये हमारा आयन मंडल के फीचर हो गए। अब देखिए ये आयन मंडल, हम एक चीज़ और है, स्ट्रेटोस्फीयर के बारे में जब हम बात कर रहे थे, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, समताप मंडल। तो आप लोग जानते हैं कि यहाँ पे खास बात क्या होता है कि ओजोन लेयर होता है, लेयर मतलब O3। इसका प्राइमरी वर्क क्या होता है, इसका प्राइमरी वर्क ये होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा हाई स्कूल या इंटरमीडिएट में कि जो सनलाइट होता है, सूर्य का जो प्रकाश होता है, इसमें तीन चीज़ें होती हैं, तीन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। एक होता है विजिबल लाइट, विजिबल लाइट मतलब दृश्य प्रकाश। एक आपने पढ़ा होगा इंफ्रारेड, इंफ्रा रेड लाइट मतलब अवरक्त प्रकाश या अवरक्त किरण भी कह सकते हैं, ठीक है। और एक हमारा होता है, ये विजिबल हो गया या इंफ्रारेड हो गया, और जो अगला वाला हमारा सेक्शन होता है उसमें क्या होता है कि गामा, गामा रेज होते हैं, एक्स रेज होती है और यूवी रेज होती है। यूवी रेज इंपॉर्टेंट है, यूवी रेज को क्या कहा जाता है, अल्ट्रा वायोलेट रेज, है ना, उसको हिंदी में कहा जाता है परावैगनी किरण। तो ये जब पृथ्वी पे आती हैं तो काफ़ी इम्पैक्टिव हो जाती हैं, अगर भारी मात्रा में आती हैं तो कई तरह का प्रभाव डालती हैं। तो यूवी रेस को ओजोन लेयर क्या करता, रोक देता है। हालांकि कई एक्सपर्ट कई तरह की बात करते हैं, इसका कुछ एक्सपर्ट करते हैं कि 96% तक रोक देता है, मतलब बाढ़ कर देता है, 4% आने देता है, कई एक्सपर्ट करते हैं नहीं 1% आने देता है। मीन्स सबसे इम्पॉर्टेंट ये समझिए कि यूवी रेस को ओजोन लेयर रोकता है, है ना। तो इससे क्या होता है कि हमारा जो पर्यावरण है वो सस्टेनेबल स्थिति में होता है, मतलब मनुष्य के लिए उपयोगी या सुटेबल हो जाता है। अगर मान लीजिए सपोज दैट यह ना रोके तो क्या होगा, तो अगर यूवी रेस की मात्रा, यूवी रेस की मात्रा मतलब परावैगनी किरण की मात्रा बढ़ जाए, मात्रा पृथ्वी पर अगर हम ये कहें पृथ्वी पर बढ़ जाए तो क्या हो सकता है, बढ़ जाए तो क्या हो सकता है, है ना। एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है जो अक्सर पूछा जाता है कि अगर यूवी परावैगनी किरण की मात्रा पृथ्वी पर बढ़ जाए तो क्या हो सकता है। तो पहला आप ये जानिए कि कैंसर हो सकता है, कैंसर होगा, ठीक है। दूसरे नंबर पे कौन सी बीमारी होगी, मोतियाबिंद, जिसको कहते हैं नेक्टालोपिया, नेक्टालोपिया काफी इंपॉर्टेंट। अब तीसरे नंबर पे जो बीमारी होगी वो उसको बोलते हैं हमारा मस्कुलर, मस्कुलर क्रैम्प्स, मतलब मसल में क्या होगा, हमारे मसल्स जो होते हैं उसमें मरोड़ होगा, है ना, वो मुड़ेंगी टूटेंगी, ठीक है, मतलब एब्रप्ट फॉर्म में आ जाएंगी। ये एक कैंसर जिसको आप जानते हैं ऑस्ट्रेलिया कंट्री बहुत ज़्यादा प्रभावित रहती है। दूसरे नंबर पे नेक्टालोपिया है, तीसरे नंबर पे मस्कुलर क्रैम्प्स है, है ना। अगले फोर्थ नंबर पे हम जब आते हैं, फोर्थ हमारा, फोर्थ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें हाइपरथर्मिया हो जाता है, हाइपरथर्मिया, हाइपरथर्मिया मतलब शरीर का तापमान का ज्यादा बढ़ना, हाइपरथर्मिया शरीर के तापमान का ज्यादा बढ़ना। तो ये चीज है कि यूवी रेस को अगर ओजोन लेयर बाढ़ ना करे, अगर उसको ना रोके
तो किस तरह की समस्याएं पैदा हो जाती हैं जो आपके सामने है। अच्छा एक चीज़ है, अगर हम एक चीज़ बताएं कि कहा जाता है कि हमने बताया था दो तरह के वायुमंडल, एक प्राइमरी वायुमंडल एक सेकेंडरी वायुमंडल, अगर उनके सारे गैसों को कंप्रेस करके, ठीक है कंप्रेस करके अगर एक जगह लाया जाए, मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी वायुमंडल को कंप्रेस करके, ठीक है एक जगह अगर लाया जाए, अगर हम आपसे कह दें कि एक जगह लाया जाए इन गैसों को, तो आप ये जानिए कि 8 किलोमीटर चौड़ी एक लंबी परत बन जाएगी। मीन्स प्राइमरी और सेकेंडरी एटमॉस्फेयर के गैसों को एक जगह लाया जाए और एक जगह ला के कंप्रेस किया जाए तो 8 किलोमीटर चौड़ी एक मोटी परत बन जाएगी। और इसमें ओजोन परत की मोटाई कितनी होगी, 3 mm होगी, मिलीमीटर। तो समझ में आया, आपसे एक क्वेश्चन आता है कि ओजोन परत की मोटाई कितनी होती है, तो दैट्स मीन्स डिनोट टू द 3 mm। पूरे एटमॉस्फेयर के गैसों की मोटाई कितनी होती है तो कंप्रेस किया जाए तो दैट्स मीन डिनोट टू द 8 किलोमीटर। एक चीज़ सबसे बड़ी बात आप ये जानिए कि अगर यूवी रेस की मात्रा, ठीक है यूवी रेस की मात्रा अगर हम 10% बढ़ा दें, 10% इंक्रीज कर दें, तो ओजोन लेयर का जो थिकनेस है, जो मोटाई है, वो हमारा 20% डाउन हो जाएगा, मतलब जस्ट ड्यूअल। तो एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर 10% इसकी मात्रा डाउन करे तो ये हमारा क्या होगा, जस्ट डबल हो जाएगा, ड्यूअल हो जाएगा। तो ये चीज़ हमारा स्ट्रेटोस्फीयर की खास बात। ठीक है, हमने आपको बताया था कि नियर अबाउट 50 किलोमीटर के अराउंड या 40 किलोमीटर के अराउंड क्या होता है कि 40 किलोमीटर के अराउंड क्या होता है कि स्ट्रेटोस्फीयर का तापमान तो वहाँ पे कम होता है, लेकिन 40 से 50 किलोमीटर के बीच में तापमान बढ़ना चालू हो जाता है, 10 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, जिसको स्ट्रेटोपास कहते हैं, है ना। तो ये हमने आपको बताया था, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब देखिए, जो कम्युनिकेशन सेटेलाइट लगाए जाते हैं, मतलब दो चीज़ें, एक हमारा बात करते हैं कम्युनिकेशन सेटेलाइट, दो चीज़ मतलब जिसको कहते हैं संचार, संचार उपग्रह। दूसरे नंबर पे कम्युनिकेशन सेटेलाइट, संचार उपग्रह, दूसरे नंबर पे अगर हम बात करें तो इसको कहते हैं स्पेस स्टेशन, है ना, अंतरिक्ष स्टेशन। दो इम्पोर्टेंट, तो ये कहाँ, इसको कहाँ पे सेट किया जाता है। कम्युनिकेशन सेटेलाइट हमारा जनरली क्या होता है कि बहिर्मंडल में लगाए जाते हैं, बहिर्मंडल में मतलब एक्सोस्फीयर में, ठीक। और जो स्पेस स्टेशन होता है वो हमारा क्या, कहाँ पे पुट अप किए जाते हैं, वो थर्मोस्फीयर में, मतलब तापमंडल, दो जगह पे सेट किए जाते हैं, खास बात। अब देखिए, बी और ए सेक्शन के डिस्टेंस में डिफरेंस होता है। स्पेस स्टेशन का क्या होता है, बाय द वे मान लीजिए हम कोई अंतरिक्ष स्पेस रिलेटेड कोई प्रोग्राम कर रहे हैं, और या फिर हम कम्युनिकेशन सेटेलाइट को हमने छोड़ा, यहाँ पे इस्टेब्लिश किया, स्थापित किया, तो क्या होता है कि कम्युनिकेशन सेटेलाइट में अगर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम आ जाए तो यहाँ पे स्पेस स्टेशन से क्या किया जाता है, कुछ रोबोटिक्स या फिर हम ये कह सकते हैं कुछ मशीनरी टूल्स यहाँ पे भेजा जाता है कम्युनिकेशन, तो वो कम्युनिकेशन सेटेलाइट में यहाँ से टूल्स जाके जुड़ जाते हैं, ठीक है जुड़ जाते हैं, क्योंकि यहाँ से ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत अच्छा होता है, क्योंकि यहाँ रेडियो वेव्स की मात्रा सफिशियंट होती है। तो जब जाके वो कम्युनिकेशन सेटेलाइट में जुड़ते हैं तो इस घटना को कहा जाता है डॉकिंग सिस्टम। डॉकिंग मतलब क्या हो, जैसे कम्युनिकेशन सेटेलाइट, जैसे हम इनसेट को ले लें, हमारे सेटेलाइट इनसेट, तो उसमें अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो यहाँ से क्या होगा कि रोबोटिक्स या कुछ मशीनरी टूल्स भेजे जाएंगे, वहाँ पे वो उससे जाड़ के कनेक्ट हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, जिसको डॉकिंग कहते हैं। उसके बाद क्या होगा कि कम्युनिकेशन सेटेलाइट में अगर किसी तरह का कोई फॉल्ट है तो उसको रिफॉर्म किया जाएगा, है ना।
तो ये चीज है, सबसे प्राइमरी ये है, वहां पे ह्यूमन बॉडी को नहीं भेजा जाता है, ना ही पृथ्वी से जो है किसी तरह का इस तरह का प्रोग्राम किया जाता है। लेकिन जनरली प्रोग्राम किया जा सकता है, हम ये नहीं कह रहे कि नहीं किया जाएगा, लेकिन जनरली क्या होता है कि डॉकिंग सिस्टम के द्वारा ही उसमें रिफॉर्म किया जाता है या किसी तरह का बदलाव किया जाता है ना। तो डॉकिंग सिस्टम आपको जानना काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये हम एनवायरमेंट में बात कर रहे थे। देखिए हमने कई चीज़ बताया, आपको बताया कि कैसे कैसे ऊपर बढ़ने पर हमारा टेम्परेचर डाउन होता है। जीरो से लेकर हम 10,000 के बीच में जब हम बात कर रहे थे तो हमारा टेम्परेचर डाउन होता है। तो लेकिन टेम्परेचर किस हिसाब से डाउन होता है, एक स्थिति बात बढ़ता भी है, हमने आपको बताया था कि हमारा आयनोस्फीयर में कितना टेम्परेचर हो जाता है, लेकिन जो डाउन होता है तो 1 किलोमीटर के हिसाब से 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डाउन होता है। तो ये क्वेश्चन अक्सर आता है कि पृथ्वी के ऊपरी सतह पर जाते समय कितना टेम्परेचर डाउन होता है, तो वो हमारा होता है 6.5 डिग्री सेल्सियस हर 1 किलोमीटर के अकॉर्डिंग, ठीक है। हालांकि रिफ्लेक्सरी उसमें वो होता है, सिस्टम होता है, कहीं पे बढ़ता है कहीं पे डाउन होता है, कहीं पे बढ़ता है कहीं पे डाउन होता है, लेकिन ओवरऑल ले तो हमारा इस तरह का आंकड़ा एक निकल के आता है, ठीक है। और बेसिकली ये आंकड़ा एनवायरमेंट के सेक्शन में अच्छा काम करता है। अब आइए देखते हैं, देखिए हम जब ग्लोब बना रहे थे, कुछ ग्लोब हमारा ऐसे है और भूमध्य रेखा से अगर हम ऊपर की तरफ हम ऊंचाई को अगर डिनोट करें, ये हमारा और किस सेक्शन को हम डिनोट करें, ए बी सी, इस सेक्शन को डिनोट करें ट्रोपो स्फेयर क्षोभ मंडल। देखिए यही एकमात्र ऐसा मंडल होता है जहाँ पे जीवों का अस्तित्व होता है, जीवों का अस्तित्व यहीं पर, मतलब एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ सस्टेनिंग एट दैट पॉइंट, ट्रोपोस्फियर, ठीक है। तो इसका इसकी जो ऊंचाई होती है पोल रीजन से, देखिए ये कुछ इस तरीके से होता है मुड़ा हुआ है ना, कुछ इस तरीके से मुड़ा हुआ होता है, इसको अगर हम थोड़ा सा अलग करके वो बनाए तो कुछ इस तरीके से निकल के आएगा मुड़ा हुआ, ठीक है। तो मतलब पोल रीजन से हाइट और इक्वेटर लाइन से हाइट, दो चीज़ें पूछा जाता है क्षोभ मंडल का, मतलब हाइट फ्रॉम या एल्टीट्यूड फ्रॉम या हाइट फ्रॉम, फ्रॉम इक्वेटर लाइन मतलब विषुवत रेखा से ऊंचाई, से ऊंचाई, ठीक है, विषुवत रेखा से ऊंचाई पहला कंटेंट, दूसरा जो कंटेंट है मतलब ध्रुवीय क्षेत्र से ऊंचाई, अगला है ध्रुवीय क्षेत्र से ऊंचाई, से ऊंचाई, दो चीज मतलब हाइट फॉर्म फ्रॉम पोल रीजन, पोल रीजन दो चीजें। तो हाइट फ्रॉम इक्वेटर लाइन से कितनी इसकी हाइट होती है, इसकी हाइट होती है 18 किलोमीटर। देखिए इसमें दो लोग हैं, दो थाट्स आते हैं, एक थाट्स कुछ वैज्ञानिकों का, कुछ ज्योग्राफिकल एक्सपर्ट का कहना है कि नहीं ये 16 किलोमीटर होता है, कुछ का कहना है 18 किलोमीटर। तो हम दोनों थाट्स लेके चलते हैं, 16 किलोमीटर। देखिए किसी एग्जाम में आएगा तो क्लैश नहीं करेगा, दोनों एक साथ नहीं होंगे। आपसे अगर कोई पूछे कि विषुवत रेखा से क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितनी है, तो आप या तो आप आंसर में होगा तो 18 लगाएंगे, या तो आंसर में 16 होगा तो 16 लगाएंगे, ठीक है, इतना होता है। अगर हम ध्रुवीय क्षेत्र से ऊंचाई अगर हम देखें तो ये हमारा 8 किलोमीटर होता है, मतलब इसी एरिया में जीवों का अस्तित्व होता है, एग्जिस्टेंस होता है, इसके बाहर अस्तित्व नहीं होता है। क्यों? क्योंकि स्ट्रेटोस्फीयर में जब जाते हैं तो वहाँ पे गैस क्या होता है, डिस्पर्सन मूड में होता है, मतलब बिखरे हुए होते हैं,
तो जहाँ पे एक समान वायवीय दशा जिसको कहते हैं पाया जाता है, कोई फ्लैक्चुएशन नहीं होता है, तो वहाँ पे सस्टेन करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, सबसे बड़ी बात, एक चीज़ आप जानते हैं कि इसके ऊपर हमने बताया था कि स्ट्रेटोस्फीयर होता है, स्ट्रेटोस्फीयर होता है, ठीक है, मतलब समताप मंडल 50 किलोमीटर तक हमने आपको बताया था। तो अब एक चीज और जानिए, आप एक बखूबी अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर दोनों पोल को देखा जाए तो सबसे ज्यादा ह्यूमन हैबिटेट्स मतलब मानव आबादी कहाँ पे, उत्तरी पोल पे है, और सबसे कम मानव आबादी ह्यूमन हैबिटेट्स कहाँ पे है, नॉर्दर्न पोल पे है सबसे ज़्यादा। तो जहाँ पे ह्यूमन आबादी सबसे ज़्यादा होगा तो वहाँ पे पोल्यूशन का जनरेट या पोल्यूशन सबसे ज़्यादा जनरेट होता है, और प्रदूषण की एक खास बात होती है, अगर आप प्रदूषण यहाँ पे कर रहे हैं, धुआं यहाँ पे कर रहे हैं, तो यहाँ के बजाय किसी और जगह पे जाके वो धुआं जब विसरित होता है, उसका डिफ्यूजन होता है, तो वहाँ पे जाके वो ज़्यादा इम्पेक्टिव या ज़्यादा प्रभावशाली हो जाता है। तो जो प्रदूषण नॉर्दर्न पोल में जनरेट होते हैं ह्यूमन हैबिटेट्स के द्वारा, मानव के द्वारा, वो क्या होते हैं, इकट्ठे होके सदर्न पोल में आते हैं। तो ओजोन परत को सबसे ज़्यादा नुकसान कहाँ पे पहुँचता है, दक्षिणी गोलार्ध में, ये क्वेश्चन अक्सर आता है। ऐसे ही भारत में क्या होता है कि ओजोन परत को सबसे ज़्यादा नुकसान हमारा त्रिवेंद्रम नीचे दक्षिणी क्षेत्र में पहुँचता है। ठीक है, एक चीज़, तो स्ट्रेटोस्फीयर में क्या होता है कि एक खास चीज, वेदर बलून लगाए जाते हैं यहाँ पे, वेदर बलून, बलून, या इसको कह सकते हैं मेजरिंग वेदर बलून भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मौसम को मापने वाले वाले गुब्बारे। अब देखिए, मान ले पृथ्वी के वायुमंडल में, यहाँ ट्रोपोस्फीयर में हमने बताया था कि सारे गैसों का लगभग मैक्सिमम 75% यहीं पे कंसिस्ट होता है। ठीक है, अगर इस मंडल में किसी तरीके का कोई हजार्डियस मैटर की मात्रा बढ़ती है या प्रदूषण का बढ़ता है, प्रदूषण की मात्रा, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे 1970 में क्या था, कार्बन डाइऑक्साइड एक अच्छा खासा प्रदूषित गैस है, इसकी मात्रा जो थी 320 है ना पार्ट्स पर मिलियन थी, है ना 320, एक मिलियन वायु में 320 मात्रा जो है इसकी। अब यही हमारा 1970 2000 में ये बढ़ के कितना हो गया, 2000 में ये 370 PPP ट्रिपल पी हमेशा अखबारों में आता है, और कहा जा रहा है कि 260 में क्या होता है, 2060 में कितना हो जाएगा, ये हमारा 600 है ना ट्रिपल पी, इतना पार्ट्स पर मिलियन, तो पार्टिकुलेट्स इतने इसके मैटर बढ़ जाएंगे, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगातार बढ़ जा रही है। तो इसका एक्यूट मेजरिंग हमारा यहाँ से किया जाता है। ठीक है, मतलब स्ट्रेटोस्फीयर के वेदर बलून से। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे, अगर किसी जंगल में, ऑस्ट्रेलिया के जंगल में या भारत के जंगल में या कहीं के जंगल में आग लग जाती है या कोई बात हो जाती है ऐसे, तो क्या सफिशियंट अमाउंट मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, तो वो गैसें जब क्षोभ मंडल के बाद स्ट्रेटोस्फीयर में उनका अगर प्रभाव दिखने लगता है तो ये माना जाता है कि पृथ्वी के पर्टिकुलर रीजन में क्या होता है, पोल्यूशन की मात्रा बढ़ गई। ठीक है, तो इसीलिए चूंकि जो हमारा स्ट्रेटोस्फीयर है वहाँ पे वायुमंडलीय दशाएं एक समान होती है, कोई फ्लक्चुएशन नहीं होता है, लेकिन अगर क्षोभ मंडल से पोल्यूशन हैवी अमाउंट्स ऑफ पोल्यूशन अगर रिलीज हो के स्ट्रेटोस्फीयर में पहुँचते हैं, वहाँ पे प्रभावी होते हैं, तो ये आपको बताता है कि नई स्थिति काफ़ी भयावह हो गई है। ठीक है, तो इसीलिए वेदर बलून हमारा क्या किया जाता है, स्ट्रेटोस्फीयर में लगाया जाता है, और भी बहुत सारे पर्पस है, लेकिन हमने आपको एक पोल्यूशन बेस पे पर्पस बनाया। ठीक है, उसके अलावा मौसम या बाकी चीज़ों को भी मापना एक पर्पस है। तो आपसे कोई पूछे कि मौसम को मापने वाले गुब्बारे कहाँ पे लगते हैं, तो साफ साफ आपका आंसर होगा वेदर बलून। अच्छा देखिए, एक चीज़ और है कि जब कहा जाता है कि जहाँ वहाँ पे मौसमों का कोई फ्लक्चुएशन नहीं है, एक समान वायवीय दशाएं हैं, तो जाहिर सी बात है जितने जेट प्लेन्स उड़ाने वाले होंगे, प्लेन उड़ाने वाले होंगे, उनको वहाँ पे पायलट को बहुत आसानी महसूस होता होगा, है ना, क्योंकि किसी तरह का कोई रिफ्लेक्टिव वो नहीं होता है। तो एक साधारण सा सिंपल सा क्वेश्चन है जो अक्सर पुटअप किया जाता है। तो फिलहाल हम इस एटमॉस्फियर पे
लगभग लगभग सारी चीज़ों के बारे में हमने बात किया जहाँ से क्वेश्चन उठ सकते हैं। ठीक, अब अगला जो हमारा चैप्टर होगा वो होगा एटमॉस्फेयर के बाद, वो होगा हाइड्रोस्फीयर। जिसको कहते हैं जलमंडल। ठीक है, जलमंडल के बारे में हम पूरे प्रोसेस के बारे में बात करेंगे कि कितना जलमंडल पूरे पृथ्वी पे है ना, और किस प्रोसेस के द्वारा ये मेंटेन होता है, मतलब बना रहता है, इसका एग्जिस्टेंस बना रहता है या इसका स्थायित्व बना रहता है ना। तो इन सारे प्रोसेस के बारे में बात करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जब ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो जाएगा तो बाकी जो चैप्टर पढ़ाएं उससे रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में फिर डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू। और आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, वीडियो को देखिए, इसमें बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट हम लेके आ रहे हैं। ठीक है, और जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी अच्छा भी है। ठीक है, तो इस पर फोकस रहिएगा। और एक चीज़ और है, जैसे जब हम जल मंडल पढ़ाएंगे तो जल मंडल को क्या करेंगे, थोड़ा डीप में जाके एनालिसिस करके पढ़ाएंगे। जैसे इसमें कई ऐसे चीज़ों पर फोकस करेंगे, एक तो हमारा स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर वाइज मतलब इसकी कैसी संरचना है। ठीक है, और इसका अगला मतलब एग्जिस्टेंस, ठीक है, सततता जिसको कहते हैं, सततता कैसे है। ठीक है, अगले नंबर पे इसमें ओशियनोग्राफी, समुद्र विज्ञान को भी हम फोकस करेंगे। तो तीन सबसे इम्पॉर्टेंट कंटेंट, और उसके अलावा जो सततता होगा, सततता इसमें हम कई चीज़ों की बात करेंगे, जैसे बादल, क्लाउड्स, बादल का बनना, ड्यू ओस का बनना, कुहरा का बनना, कुहासा का बनना, मिस्ट है ना, बहुत सारे। और इसमें कुछ ऐसी भी घटनाएं जैसे ट्रांसपिरेशन है ना, इवेपोरेशन, वाष्पोत्सर्जन, गुटेशन, इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट। चलिए, थैंक यू।